हाय फ्रेंड्स, एजुकेशनल सेमिनार की वजह से आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हो पा रहा था। आइए, हमारे जो गज़ल गो शोरा हमारे निसाब में जो शामिल है, एक दो शख्सियात रह गई थी, उन्हें हम कवर कर लेते हैं। वैसे हॉल टिकट आपका आ चुका है। अब तक अगर आप लोग ने डाउनलोड नहीं किया है तो NTA की वेबसाइट पर जाकर आप नेट दिसंबर 2018 का हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इस मरतबा नई है, आप उसे पढ़ लीजिए ताकि एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने पर आपको दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। रईसुल मुतगज़लीन जिगर मुरादाबादी, आपसे सवाल पूछ लेता हूँ यहीं पर। रईसुल मुतगज़लीन और इमामुल मुतगज़लीन कौन कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएं। जिगर मुरादाबादी का असल नाम अली सिकंदर, तखल्लुस जिगर, आपके उस्ताद मौलवी अली नज़र ख्वाजा वज़ीर, आपकी विलादत 6 अप्रैल 1890 मुरादाबाद में और आपकी जो वफ़ात है 9 सितंबर 1960 गोंडा में। इस फ़र्क को आप अभी महसूस करोगे, मुरादाबाद और गोंडा के फ़र्क को। जिगर 20वीं सदी के उर्दू के मशहूर शायरों में से एक शायर गुजरे हैं। उर्दू के मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी का असल नाम अली सिकंदर और तखल्लुस जिगर था। जिगर की विलादत अभी आपने समाप्त की उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में। कुरान पाक, फारसी और उर्दू की तालीम उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक घर पर हुई। आप कम उम्र ही में अपने वालिद से महरूम हो गए थे, यानी कि आप यतीम हो गए थे। आपके वालिद अली नज़र, जो कि आपके उस्ताद भी थे, वो शायर गुजरे हैं। और इस तरह जिगर के ख़ानदान में बहुत सारे अहबाब शोरा गुजरे हैं, यानी कि जिगर को शायरी विरासत में मिली। जिगर की शायरी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब आपकी उम्र 14 बरस थी। इब्तिदा में उन्होंने हयात बख्श रिसा को कलाम दिखाया, फिर दाग दहलवी से रुजू किया, कुछ अरसा अमीरुल्ला तस्लीम से भी इसला ली। जिगर साहब की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ ज़िलों में गुजरा है। आपका पेशा चश्मों की तिजारत था। असगर गौंडवी की सोहबत ने जिगर की शायरी को बहुत जिला बख्शी। जिगर मुशायरों के बहुत कामयाब शायर थे। उनका तरन्नुम बहुत अच्छा था। बहसित इंसान वो नहायत शरीफ वाक़े हुए थे। हिंदुस्तानी हुकूमत ने उन्हें पद्म भूषण जैसा एवॉर्ड दिया था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जिगर को डॉक्टरेट की डिग्री एजाजी तौर पर दी थी। उनके आखिरी मजमूए कलाम आतिशे गुल पर उनको साहित्य एकेडमी से 5,000 रुपये का इनाम भी मिला और 200 रुपया माहनामा वजीफा मुकर्रर भी हुआ। आतिशे गुल के अलावा दाग जिगर और शोले तुर उनकी शायरी के मजमूए हैं। शराब की वजह से आपकी सेहत बहुत ख़राब रहने लगी थी। बुढ़ापे में मैं नोशी से तायब हो गए थे। आप मुस्तकिल तौर पर गोंडा में कयाम पजीर हो गए थे। 9 सितंबर 1960 को तकरीबन सुबह 6 बजे इस दार फानी से जिगर ने रुख्सत ली। गोंडा में एक रिहायशी कॉलोनी का नाम आपके नाम पर जिगर गंज रखा गया है। वहाँ एक स्कूल का नाम भी आपके नाम पर जिगर मेमोरियल इंटर कॉलेज रखा गया है। 20वीं सदी में उर्दू के चार सुतून फानी, हसरत, असगर और जिगर थे। लोगों ने जिगर को नुमाया और इनफरादी खसूसियत का मालिक करार दिया है। हुस्न इश्क की जो शक्लें जिगर के कलाम में है, किसी और के यहाँ मिलती ही नहीं। जिगर के यहाँ सोज गुदाज, सरमस्ती व शादाबी और वजद की कैफियत मिलती है।
जिगर फन मौसिकी से भी दिलचस्पी रखते थे, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए अशार में जादू भर दिया। जिगर एक खुददार आदमी थे और यही खुददारी उन्हें फिल्मी दुनिया से वापस ले आई। आइए जिगर के चंद मारूफ अशार देख लेते हैं। अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बनाया गया, हमको मिटा सके ये ज़माना में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। बंगाल पर भी आपने कुछ अशार कलमबंद किए थे। बंगाल की मैं शामो सहर देख रहा हूँ, हर चंद के हो दूर मगर देख रहा हूँ, अफलास की मारी हुई मखलूक सरे राह, बेगोर कफन खाक बसर देख रहा हूँ। बच्चों का तड़पना वो बिलकना वो सिसकना, माँ बाप की मायूस नज़र देख रहा हूँ। इंसान के होते हुए इंसान का ये हश देखा नहीं जाता है मगर देख रहा हूँ। रहमत का चमकने को है फिर नयरे ताबा, होने को है इस शब की सहर देख रहा हूँ। खामोश निगाहों में उमड़ते हुए जज्बात, जज्बात में तूफान शरर देख रहा हूँ। बेदार ये एहसास है हर सिमत नुमाया, बेताब अरबाब नज़र देख रहा हूँ। अंजाम सितम अब कोई देखे के ना देखे, मैं साफ उन आँखों से मगर देख रहा हूँ, मैं साफ इन आँखों से मगर देख रहा हूँ। सयाद ने लूटा था अना दिल का नशे मन, सयाद का जलते हुए घर देख रहा हूँ। एक तेक की जुम्बिश सी नज़र आती है मुझको, एक हाथ पस पर्दे दर देख रहा हूँ। इन अशार से आप शेरी महारत व दस्तरस का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं, जिनकी सलाहियतों का लोहा अहले दुनिया ने तस्लीम किया है। शेरी मजमू आतिशे गुल, शोले तूर, दागे जिगर जो कि दौर अव्वल का मतरूक और गैर मतबुआ कलाम है। कुलियात जिगर ये शेरी मजमू आतिशे गुल और शोले तूर का मजमुआ है। रेफरेंस के लिए चंद किताबें दे देता हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हमसे भी मिस हो जाते हैं बताने के लिए, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं क्या पूछ ले, कोई यकीनी तौर पर कहा नहीं जा सकता। मोहम्मद इस्लाम, इन्होंने 5 किताबें लिखी है जिगर पर। एक जिगर के खतूत, निगार शात जिगर, यादगार जिगर, जिगर मुरादाबादी, जिगर अपने अहबाब की नज़र में, और 6 किताबें बाकियात जिगर जिसके मुरतब है मुस्तफ़ा राही। तो ये चंद किताबें थी, आप इनसे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये लेसन इसी पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आइंदा के लेसन में मोइन आसन जज्बी के हयात व शख्सियात को आपके सामने हम पेश करने की कोशिश करेंगे।